मोदी ने कश्मीर के लोगों को संदेश देने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया और अपना विजन कश्मीरी लोगों और दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी के इस विजन में 3D फॉर्मूला है जिसका असर अगले कुछ दिनों में कश्मीर में देखने को मिल सकता है। बता दें कि पीएम मोदी ने 2D फॉर्मूले की बात की जिसमें डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी शामिल है, लेकिन एक और डी यानी कि अजीत डोभाल इस वक्त कश्मीर में है जो मोदी के मिशन कश्मीर का अहम हिस्सा है। घाटी में पिछले कई दिनों से सड़कों पर सुरक्षा बल मुस्तैद है। लोग घरों से बाहर निकलने में घबरा रहे हैं, लेकिन शुक्रवार से कई मामलों में छूट दी गई है और काफी कुछ सामान्य होने की कगार पर है। बता दें कि कश्मीर घाटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे, तो वहीं सभी सरकारी अफसरों को दफ्तर आने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले से बौखलाया पाकिस्तान अब LOC पर रोबोटिक हथियारों का इस्तेमाल कर आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में है। इस सिलसिले में गृह मंत्रालय को सुरक्षा एजेंसियों ने रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मदद से पाकिस्तान POK के मानसेहरा में सामरिक टनल बनाने में जुटा हुआ है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सर्वोच्च अदालत ने अपनी परंपरा को तोड़ते हुए इस मामले की सुनवाई हफ्ते में 5 दिन करने का फैसला किया है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इस फैसले पर असमर्थता जाहिर की गई है। केरल में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित वायनाड जिला है। यहाँ से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी से बात की। राहुल ने पीएम मोदी से बाढ़ पीड़ितों के राहत और बचाव के लिए मदद मांगी है। केरल में भारी बारिश का कहर जारी है। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम जिलों में बीती रात जोरदार बारिश हुई जिससे कई घरों में पानी भर गया। मलप्पुरम और कोझिकोड को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें जलभराव के चलते बंद है। बिजनेस टाइकून जी विवेकानंद और राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप रहे भुवनेश्वर कलिता शुक्रवार को BJP में शामिल होंगे। BJP अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जी विवेकानंद और भुवनेश्वर कलिता BJP में शामिल हो सकते हैं। MP के CM कमलनाथ ने अपने मुंबई दौरे के दौरान कई बड़े औद्योगिक घरानों से नाता रखने वाले प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बिरला उद्योग समूह के कुमार मंगलम बिरला ने मध्य प्रदेश में 100 हाईटेक गौशालाएं बनाने पर सहमति जताई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन सेवा भारती ने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों मजदूरों को घर पर इलाज उपलब्ध कराने की पहल की है, जिसके लिए सरकारी क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी रेलटेल ने सेवा भारती को 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स यानी घर खरीदार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट संशोधन कानून को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले का फायदा होम बायर्स को मिलेगा जिससे उन्हें कई अधिकार मिल जाएंगे।